हाय स्वाति, बैंक का मैसेज आया है, उदय जी का चेक बाउंस हो गया है। मैंने ऑफिस में फोन भी लगाया था, उन्होंने कहा कि डायरेक्ट प्रोड्यूसर से बात करो। घटिया लोग हैं, अब प्रोड्यूसर का फोन भी ऑफ आ रहा है। तुम भगवान का नाम लो और उसके ऑफिस में बैठ जाओ। ठीक है, मैं ऐसा ही करती हूँ। मेरा कहाँ है? डे केयर में दे के आई हूँ। तुम बात कर सकती हो? सॉरी यार, ऑफिस में एक डिस्ट्रीब्यूटर आया है, वो फिल्म को बेंगलोर में रिलीज करना चाहता है, इसलिए लंदन तक आ गया है। पीके सर उससे बात कर रहे हैं, लगता है अब अपनी फिल्म रिलीज हो जाएगी। ठीक है, तुम प्रोड्यूसर के ऑफिस में पहुँच कर मुझे कॉल करो, और बिना पैसे लिए वहाँ से वापस मत आना। मैं यहाँ दूसरी बार आ रही हूँ, बहुत अर्जेंट है, मुझे प्रोड्यूसर से मिलना है। उनका फोन ऑफ है मैडम, लगता है किसी अर्जेंट काम से बाहर गए हैं। कब तक वापस आएंगे कुछ पता नहीं, आप मंडे को वापस आइए ना। तमाशा लगा के रखा है, मुझे आज ही मिलना है। ठीक है, वेट कीजिए। आपका बच्चा यहाँ पर है, प्लीज ले जाइए। अरे मैं अभी नहीं आ सकती, आपने कहा था 2 बजे तक आ जाएंगे, इसलिए मैंने हाँ किया था। ठीक है, प्लीज 1 घंटे का टाइम और दे दो प्लीज। आधे घंटे में आ जाइए मैडम, मैं 1 घंटा रहा नहीं देख सकती, मुझे भी कुछ काम धंधे हैं। एक बार और उन्हें कॉल कर लीजिए ना प्लीज। सॉरी, आप वेट कर रही थी, मैं भूल गई, सर ने कॉल किया था, वो लंदन में किसी स्क्रीनिंग में गए हैं। लंदन? सच में ना? उन्होंने जो बोला मैंने वो बता दिया मैडम। हाय स्वाति, तुम्हारी फिल्म देखने जो डिस्ट्रीब्यूटर आया है उसका नाम क्या है? उदय जी। वो क्यों? उसी से तो मुझे पैसा लेना है। ऐसा क्या? हाँ, अभी मैं उसे चप्पल से मारूंगी। वो अंदर ही बैठा है, फिल्म देखना है। अभी फिल्म को खत्म होने में 1/2 घंटा लगेगा। ठीक है, मैं पीके सर से बात करके उससे पैसे वसूल करने की कोशिश करती हूँ। ठीक है ना? ओके ओके, बाय, थैंक्स। शिवा और मैं स्कूल के फ्रेंड्स हैं सर। मैंने स्कूल बीच में ही छोड़ दिया, लेकिन उसने स्कूल की पढ़ाई पूरी की और मैं गली गली घूमता रहा। लेकिन बहुत सालों के बाद यहाँ लंदन में हम लोग वापस मिल गए। अब तो आप भी हमारे ग्रुप में शामिल हो गए हो सर। शिवा ने ही मुझे ये गाड़ी गिफ्ट की है, वो बहुत अच्छा लड़का है, एकदम चांद के जैसा। तुझे मेरी बात पर जरा भी यकीन नहीं है, है? सुनो दोस्त, मैं लंदन में शराब पी रहा हूँ, तुम बकवास करना बंद करो। अच्छा सर, आपने कहा रात में उस लड़की का 3 बार नाम लेना बहुत डेंजर बात है। और तो और आपने कहा था रात में जंगल में जाना भी बहुत डेंजर है। ये क्या सर, आप तो जंगल में ही जा रहे हैं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। माया की कहानी मैगजीन में शुरू हुई थी, हम असालम के आसपास ही घूम रहे हैं, अगर वो मिल गई तो समाधि भी मिल जाएगी। तो वो अंगूठी भी मिल जाएगी ना सर? कोई सच में अंगूठी को इस तरह समाधि में दफनाता है क्या बे? वो डायरी, वो हिस्ट्री है, वो मिले तो सब कुछ मिल जाएगा। तू सुन रहा है ना स्टूपिड? बिना काम के बकवास करता रहता, तू चुपचाप गाड़ी चला।
सर। हाँ जल्दी आ जाना, मेरी वाइफ घर में वेट कर रही है। ठीक है मैं 10 मिनट में आ जाऊंगा। सर हम दोनों एक डील करते हैं, अगर अंगूठी मिली तो आपका 50 मेरा 50। I love you. मदन सर, मदन सर, सर, सर मदन सर, मदन सर, मदन सर, मदन सर, मदन सर, मदन सर, मदन सर। Ah!
Yeah.